हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में कि बुनकर कौन होते हैं, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक कौन होते हैं। यह जो है चैप्टर 6 है, क्लास 8 का सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का यह 6ठा अध्याय है। और यह जो है कि इतिहास का है, हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पे व्यापारिक जहाज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सूरत बंदरगाह है वहाँ पे जो व्यापार करने के लिए जहाज, जो दूसरे देशों से जो जहाज आते हैं उनके फोटो को दिखाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित, मतलब कि जो हमारा देश भारत है उसमें जो हमारा जो राज्य गुजरात है, एक राज्य है गुजरात, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पश्चिमी तट जो है गुजरात का वो जो है कि हिंद महासागर से लगा हुआ है। तो हिंद महासागर जो है, और हिंद महासागर जिस शहर में लगा हुआ है उसे हम सूरत कहते हैं। और महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से जो है कि एक था। ठीक है, डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह पर इस्तेमाल करने लगे थे, इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सूरत है वो हमारे हिंद महासागर से लगा हुआ है। ठीक है, और यह जो है बंदरगाह डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज़ों द्वारा यूज किया जाता था। जो डच थे, जो डेनिश थे उनके द्वारा, और जो ब्रिटिश से जो व्यापारिक जहाज आती थी उनके द्वारा इस बंदरगाह का यूज किया जाता था। और 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। मीन्स कि पहले तो ये बंदरगाह ज़्यादा यूज होता था, लेकिन फिर बाद में ये कम यूज होने लगा था। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योग की क्या दशा क्या थी। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमारी अर्थ है, इस पे बहुत सारे कंट्रीज हैं और बाकी जो है कि सागर है, सागर या महासागर, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो हर जो सागर है उसके किनारे जो देश बसे हुए हैं और वो जो है अपने जीवन यापन के लिए कपड़ा बनाते हैं, लोहा और इस्पात का उद्योग चलाते हैं, इसे बर्तन बनाते हैं, और इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन कर, तो यहाँ पर हम लोग जो है लोहा और कपड़ा उद्योग की बात करेंगे। इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए हम जो है यहाँ पे इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर उद्योगों की दशा क्या थी। ठीक है, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों ही उद्योग जो है, जो औद्योगिक क्रांति हुई है, मीन्स कि जो हमारे जो हर एक कंट्री में जो एक क्रांति देखने को मिलती है, जैसे कि हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और जो है कि और क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जो है कि इस्पात और लोहे से बनी हुई, जैसे कि हमारे जितने भी फर्नीचर्स हो गए लकड़ियों से भी बनते हैं और इस लोहे और इस्पात से भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं वो सारी चीज़ें इसकी बनी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक क्रांति की तरह उभरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये औद्योगिक क्रांति हुई। सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 का जो दशक था के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, मीन्स कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1850 का जो टाइम था से जब ब्रिटेन का, तो वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता था, लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। ठीक है, ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय उपनिवेशों में गहरा संबंध था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन के जो औद्योगिक
करण और भारत और ब्रिटिश विजय मीन्स कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक करण हुआ, जो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ बनी और भारत में ब्रिटिश का विजय उस समय की उनका ही राज्य चल रहा था, उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी, ठीक है। तो 18वीं जो सदी थी हमारी, जैसे 1700 कुछ कर गए, तो उस सदी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से चीजों को खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाके बेचती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने भारत में आई थी, वो जो है यहाँ से चीजें खरीदती थी और ले जाके इंग्लैंड और यूरोप में बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा था। इससे भारतीय शिल्प उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे शासन करने लगे थे और यहाँ से सामान बना के ले जाके वहाँ पे बेचते थे और वहाँ पे उनको बहुत फायदा होता था। यहाँ से मिंत की भारत से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, ये चीज़ें कैसे होती थी इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बंगाल है, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मीन्स कि भारत में बने हुए जो कपड़े थे वो बहुत अच्छे होते थे और उनकी बुनाई और प्रिंटिंग और कपड़े की क्वालिटी, हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि 1750 के आसपास पूरी दुनिया में जो है कि यही कपड़े, मीन्स कि पूरी दुनिया में जो भारत के कपड़े थे वो सबसे ज़्यादा मशहूर थे। और वो क्यों मशहूर थे? क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। और 1750 तक बंगालों ने अंग्रेजों ने बंगाल पे कोई विजय नहीं किया हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमत्रा, पेंगोंग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं सदी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मज़ेदार है। यहाँ पे देखेंगे पटोला बुनाई, 19वीं सदी में ये जो है होता था। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पटना में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शब्दों में इतिहास छिपा है, किस तरह से इन शब्दों से हमें पता चलता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। जो यूरोप के व्यापारी थे उन लोगों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा, जो भारत से कपड़े जाते थे, सबसे पहले उन्होंने इराक के मोसुल शहर में, ये जो इराक अभी जो देश है वहाँ पे जो मोसुल शहर है, मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। जो अरब के व्यापारी थे, तो व्यापारी जो है एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, तो वो जब गए तो उन्होंने देखा अरब के व्यापारियों के पास बहुत ही बारीक सूती महीन कपड़ा। इस आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मलमल कहने लगे। मीन्स कि जो कपड़े बहुत ही बारीक बुनाई के थे उन्हें मसलिन कहा जाने लगा। जल्दी यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की
मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। मीन्स कि जब पुर्तगाल से लोग आए थे पहली बार मसालों की तलाश में तो वो भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम जो है दक्षिण पश्चिम में भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। वो यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े के को कैलिको ही कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक आर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाहर वही के मुताबिक उस साल कपड़े के जो 5,89,000 जो है 5,89,000 थानों का आर्डर मिला था। यदि आप इसे वही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्डर बही जो है आर्डर बही का पन्ना 1730 में। गौर से देखें बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले आर्डर देने पड़ते थे क्योंकि आर्डर को भारत भेजने जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के लिए भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आइए बीसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखते हैं। तो ये जो बही है मीन्स की जो ये रसीद है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ों की जिक्र की का जिक्र किया गया है और उनके नाम लिखे गए हैं। थोक में जिन कपड़ों का आर्डर दिया गया था उन्हें छापेदार सूत्री कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंट कोसा या खस्सा और डाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंट शब्द कहाँ से आया? हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से आया। हमारे यहाँ छिंट रंगीन फूल फूल पत्ती वाले छोटे छाप के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदारी सूती वस्त्र सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियां, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रही सी नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। बांडना शब्द का इस्तेमाल जो है इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। इसे हिंदी में बांधना शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे बुनकर लोहा यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फोटो में कि जामीदारी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेनेगाई श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने रंग साजी आदि विधियों से ही बनाया जाता था। वही में इसी तरह दूसरे कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उसके जन्म स्थान पर लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि किस तरह से भारतीय कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा पूरे पूरे संसार भर में के बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और इन शब्दों का जो जो शब्द हैं, इनके जो नाम हैं, इनके नाम में ही इतिहास छुपा हुआ है, क्योंकि ये नाम ही बता देते हैं कि आखिर ये कहाँ से लिए गए हैं। वही में कई दूसरे तरह के कपड़ों का भी जिक्र था जिनका नाम उनके स्थान के अनुसार लिखा गया, जैसे कस्मा, बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापार प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बांडना डिजाइन 20वीं सदी के प्रारंभ में ऐसा बनाया जाता था। कपड़ों के मध्य से गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में से मिसी दिया गया है। बांडना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। तो इस तरह के हैं ये यूरोपीय बाज़ार में भारतीय कपड़ा। तो हमने देखा कि जो कपड़ों का जो नाम है आज भी वो प्रचलित है। तो ये जो नाम है जो शब्द है यही बता देते हैं कि इनकी ओरिजिन क्या है, ठीक है, और हमारा भारतीय इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और आगे यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा का क्या महत्व था। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े जो थे वो इंग्लैंड के बाज़ार में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता जो थे भारतीय कपड़ों के आ जाने की वजह से उनके कपड़े बिकते नहीं थे, इसलिए वो विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीटे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। इसका संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम भी कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है कि क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो जो कपड़े बनाते थे, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, तो जो कपड़े बनाते थे वो भारतीय कपड़ों की तुलना में कम पसंद किया जाता था। वो जो कपड़े थे भारतीय, और उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी और सूती कपड़े छींटे वाले जो है इन पर पाबंदी लगा दी थी। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाना खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों का प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे, क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी थे उनके कपड़े नहीं बिक रहे थे। इसलिए वो जो क्या चाह रहे थे कि भारतीय कपड़े वहाँ नहीं पहुँच पाएँ, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कलरीको छपाई उद्योग को भी सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मंड वाले को रे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में फिर जब इस तरह के विरोध होने लगे तो क्या हुआ कि सरकार ने यहाँ से मलमल के सफ़ेद कपड़े मंगाती और वहाँ पे ले जाके छपाई करती भारतीय कपड़ों के साथ। इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जान के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसके परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया गया और बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़ों का जो दबदबा था ठीक है, 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। फिर डच, फ्रेंच और ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, परंतु जैसे कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, मीन्स की
मीन्स क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल पे शासन करने लगी, तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले तो ये लोग चांदी दे के और कुछ सामान खरीदते थे, लेकिन बाद में ये लोग चांदी जो है नहीं देते थे क्योंकि उन्हीं का शासन हो गया। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों जमींदारों से वो जैसे इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। और इसके बाद क्या क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा खूंखार होती जा रही थी। और इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना भारत मीन्स कि वो शासन चलाने लगी थी और किसानों और जमींदारों से जो पैसे लेती और उसी से कपड़े खरीदती और अपने देश को भेजती। तो इस तरह से होने लगा। कोचिन जो स्थित है, कोचिन स्थित डच बस्ती का समुद्र में दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में देखिए 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचिन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देख सकते हैं हम यहाँ पे। यह जो है कि हमारा 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे। जो 18वीं सदी थी उसमें बुनाई के जो केंद्र थे वो कहाँ कहाँ थे। बुनाई केंद्र जो थे उनको बताया गया है कि ये जो थे लाहौर, सरहिंद, पंजाब, समान, दिल्ली, आगरा, जयपुर, संगानेर राजस्थान में है, सूरत, कांबो, ये दिखाया गया है कि 18वीं सदी में इन शहरों में जो है बुनाई होती थी। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चार क्षेत्रों में केंद्रित था। जो कपड़ा बुनाई था वो चार क्षेत्रों में बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में, जो 19वीं सदी है उसके प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल जो था, जो पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश है, स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तक के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर बुनाई मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बुनकर कौन थे, जो बुनकर थे वो कौन थे इनके बारे में देखेंगे। बुनकर जो थे आमतौर पर इनका कार्य यही होता था जो कि बुनाई करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। मीन्स कि बुनकर वो उनके पूरा समुदाय होता था और वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल की तांती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन और दक्षिण भारत के साले व कैलकोलार और देवांग समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह जो काम था, यह काम अधिकांशतः महिलाएं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागों को चरखे पर कात कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम जो है पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागा को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो कि ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन फिर जो हुआ उसके बाद
कि भारतीय कपड़ों का पतन शुरू हो गया। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योगों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा, इसमें क्या हो रहा था कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका में बने बाजारों में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़ों का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को मीन्स कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े जो थे ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारी माल खरीदना बंद कर दिए और उनके एजेंट ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। बंगाल के एक तांती बुनकर का यह फोटो है। बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाले करघा क्या होता है? यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से जो भारतीय कपड़े थे उनका जो है कि जो अफ्रीका अमेरिका यूरोप के बाजारों में जो ये बिकते थे अब ये जो है वहाँ से बाहर हो गए थे। हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिली थी जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पाल सकते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म कर दिया गया है जिसकी वजह से हम लोगों और परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों का ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखों मर जाएंगे। यह जो था कि बुनकरों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र थी 22 थी, पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां थीं। जब पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हमने गहने बेच दिए और हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का रास्ता दिखाया और मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़े के बारे में निश्चिंत रहने लगे। सालों से मैंने 28 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है।
लेकिन असली दुर्दिन जो थे वो आने वाले थे 1830 के दशक तक। भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। अब जो है कि पहले तो यहाँ के जो है सूती वस्त्र बनते थे और वो जो है कि बाहर जाते थे और बिकते थे, तो यहाँ पे स्थिति अच्छी थी। बाद में क्या हुआ कि ये सारे जो कपड़े हैं वहीं बनने लगे और फिर भारतीय कपड़ों का जाना बंद हो गया। और उससे भी बुरा तो तब हुआ जब ये कपड़े आके वहाँ पे पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वाले की भी हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गए। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। जटिल और मन भावन किनारी वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने पश्चिम भारत में स्थित जो है सोलापुर और दक्षिण भारत में श्री मदुरा का जिक्र सुना होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के एक नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो भी लोगों से आह्वान किया वे अतीत कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वाले का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेती हाँ मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बगानों में काम करने के लिए चले गए। उनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़े कारखानों में भी नौकरी मिल गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय, जो सूती कपड़ा मिल है उनका उदय किस तरह से हुआ इसमें हम देखेंगे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1894 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी और उन्हें जो है कि यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तभी से भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा था। आगे चल के क्या हुआ कि सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी गुजराती व्यापारियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में कपड़ा कारखाना 1961 में खुला था। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती कारीगरी के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब कष्टकार दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में भी काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा।
सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। सिर्फ प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने अपने स्थानीय उद्योगों को तौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, यहाँ पे हम देखेंगे कि 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार का यहाँ पे क्यों जिक्र किया गया है। कि भारतीय इस्पात और लौह धातु जो है कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने भारत में कपड़े उद्योग का दुर्दशा देख लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं इस्पात का, लोहे का, भारतीय इस्पात और लौह धातु किस्से जो कला होती है उसमें टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में जो यह गुण था, इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस उडज स्टील की तलवारें बहुत पैनी लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गढ़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सड़कें कड़ों पगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रागलक इस बात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने में उपयोग किया जाता था। जो उड्स थे असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल मलयालम यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय उड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्व विख्यात जो वैज्ञानिक थे और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय उड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित उड्स स्टील निर्माण जो प्रक्रिया थी 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ एक तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। भारत पर जो अंग्रेजों का जो जीत था वो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है तलवार और हथियार का जो एक उद्योग था वो भी समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे इस्पात ने ले लिया। गांव की उजड़ी भट्टियाँ वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत
में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलक कारगर थे जो लोहे बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं दहकनी चलाती थी। वे कोयलों को लगातार दहकने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन भी गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जबकि औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लोहे अयस्क भी वे वहाँ कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में सरकार जो थी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लौह और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। भारत 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बोल्स और जमशेदजी टाटा ने जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्स और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि त्रिपुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अगारिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ ले से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उठा दी। वेल्स और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वोल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे पुरानी बेहतरीन अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था, कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगर ये समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और औद्योगिक शहर बनाने के लिए जगह बनाई गई, पुर का नाम दिया गया। यहाँ टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात करता रहा।
करता रहा। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी यह श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। तब भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई। रेल की पट्टियों और पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को अपनी वैश्विक सरकार ही खरीद लेती थी। समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लौह और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आया जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। और भारतीय जो थे औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इसमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे जापान में औद्योगिकरण के शुरुआत 30 साल, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा यह जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए। इसके क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल वीडियो सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।